हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोल्टिनो के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे वोल्टिनो की दुनिया में क्या क्या अपडेट देखने को मिली है, किस तरह हमें वोल्टिनो बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो सारी की सारी बातें आपके साथ इसी वीडियो में होने जा रही है। तो इससे पहले कि मैं वोल्टिनो की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, वोल्टिनो के रिलेटेड, किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल गया है, कोई भी न्यूज निकल गया है, कोई भी कंटेंट निकल गया है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीजों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब का चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन मेरा टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जल्दी जल्दी जाकर उसके ऊपर क्लिक करें, क्योंकि वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पे मैं बाइनेंस की क्रिप्टो बॉक्सेस के कोड शेयर करता रहता हूं, नई नई माइनिंग की एप्लीकेशन शेयर करता रहता हूं, उसके बाद जो गिव अवेज, एयरड्रॉप्स, बाइनेंस की क्रिप्टो बॉक्स, ये सारी खिचड़ी मेरे टेलीग्राम के चैनल पर पकती रहती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उन सारी चीजों को मिस करें। तो भाई हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको चढ़ना है भाई टेलीग्राम के चैनल की तरफ। तो भाई बात करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो 521 नंबर पे वोल्टिनो रैंक कर रहा है 0.4 के बाद 5.6523 की करंट प्राइस है। 24 घंटों में 4.3% डाउन जा चुकी है भाई द प्यारा बीटीसी, ये 4% डाउन जा चुकी है, और इधर के हिसाब से 3.6% जो है ऑलरेडी एक डाउन ट्रेड की तरफ जा चुकी है, और ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 83.55% जो है ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। और हमने देखा कि एनुअली बेसिस पे 20% डाउन है जा चुका है, उसके बाद हमने देखा कि 30 दिनों में ये 39% डाउन जा चुका है, 14 दिनों में 17% और 7 दिनों में 2.4% जो है ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। तो भाई ये तो हैं करंट हालात वोल्टिनो के। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि भाई क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिले, तो पहले मैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स शेयर करना चाहूंगा। तो भाई हमारा जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है, जी बिल्कुल, वो आज 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल है, जो कल 52 स्कोर के साथ न्यूट्रल था, लास्ट वीक की बात करें तो 52 स्कोर के साथ न्यूट्रल में देखने को मिला था, और लास्ट मंथ 60 स्कोर के साथ हमें ग्रीडी कंडीशन में हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने को मिला था। तो भाई इस तरह ओवरऑल जो हमारी मार्केट है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई मार्केट के हालात के साथ अगर मैं बात करूं वोल्टिनो की, तो भाई यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे वोल्टिनो का ट्विटर हैंडल, तो भाई क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पे अपडेट, तो एक बहुत बढ़िया अपडेट हमें देखने को मिली कि रिसेंटली जो वोल्टिनो को जो है भाई क्यूकॉइन ने लिस्ट किया है, जो एक बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिल रही है कि भाई वोल्टिनो इज नाउ ऑफिशियली लिस्टेड ऑन अ क्यूकॉइन एक्सचेंज। ये बिल्कुल, क्यूकॉइन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज अगर हम कहें तो भाई उस तरह कंसीडर की जाती है। अब तो भाई वोल्टिनो जो पूरा का पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई वो शिबा इनू और डोज कॉइन को टक्कर देने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है, वो खुद के इकोसिस्टम को जो है एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि भाई पीएससी न्यूज़ पे भी ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था वोल्टिनो को लेके, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की। एक तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टिनो रीच ह्यूज माइलस्टोन विद क्यूकॉइन लिस्टिंग वॉल्ट टोकन ऑन June 22nd। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्यूकॉइन की लिस्टिंग के बाद इसको एक बहुत बड़ा जो अगर कहें बूस्टअप देखने को मिला। उसके साथ अगर मैं यहाँ ओवरऑल वोल्ट की प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो भाई वोल्ट जो है ओवरऑल जो अपनी कुछ चीज़ें होती हैं उनकी वजह से जाना जाता है। एक तो भाई इनका वोल्ट इको, इसका जो इकोसिस्टम होता है जिसमें एयरड्रॉप्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें फेसिलाइज करते रहते हैं। उसके बाद वोल्ट कार्ड है हमें देखने को मिलता है, वोल्ट रेसर एंड वोल्ट आइलैंड जो एक इनकी क्रिप्टो जो है, इसकी थ्रिलिंग क्रिप्टो बेस्ड जो गेम्स आने वाली जो हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद VSDC इसकी NFT कलेक्शन देखने को मिल रहा है, वोल्ट की एक्सचेंज है, वोल्ट टोकन है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो वोल्ट को एक किस्म का अगर यूनिक प्रोडक्ट बना दिए, क्योंकि वैसे जो मीम्स कॉइन होते हैं उनमें हमें यूटिलिटी वगैरह जो होती है वो सारी की सारी चीज़ें नहीं देखने मिली। और हमने देखा कि ये सोशली भी काफ़ी एक्टिव भी, आए दिन नए नए पोस्ट, नया नया जो कंटेंट वगैरह होता है वो शेयर करता रहता है। तो इसी वजह से जो आने वाले वक्त में हमें लगता है कि वोल्ट जो है वो काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मिंग क्वाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप वोल्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि क्यों क्वाइन ने लिस्ट कर दिया, तो भाई क्या लगता है कि भाई बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा नहीं करेगा, उसके थर्ड भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।